नमस्कार दोस्तों, हम रितेश पांडे स्वागत करते हैं आप सबका अपने खोया भारत चैनल पर, जहां पर इतिहास के आपको उन पन्नों के बारे में बताया जाता है जो कि ना तो कभी किसी ने सुनाया है और ना ही कहीं पढ़ाया है। आज हम उस इतिहास के बारे में जानेंगे जब महाराणा प्रताप के लिए एक मुसलमान ने खुद को कर दिया था कुर्बान। महाराणा प्रताप को बचाने के लिए चेतक ही नहीं, एक मुसलमान ने भी अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वो वफादार मुसलमान हकीम खां सूरी थे। बता दें कि हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप का सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध के वक्त महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को दो हिस्से में बांट दिया था, जिसमें से एक का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था। इस युद्ध के दौरान जब मुगलों ने महाराणा प्रताप पर हमला किया तो हकीम खां सूरी ने वो हमला खुद पर ले लिया। महाराणा प्रताप को बचाने के लिए हकीम खां सूरी अंतिम सांस तक अपनी तलवार से लड़ते रहे। बहादुरी से लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम 21 जून 1576 को युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। हकीम खां सूरी ने कभी अपने तलवार को खुद से अलग नहीं किया, इसलिए उन्हें उनकी तलवार के साथ ही दफनाया गया था। क्या आप इस इतिहास से वाकिफ थे? अपने राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए इतिहास के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।